एंड फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फाइनेंस की कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको जो भी मेरी इंट्राडे वाली वीडियो देखना देखते हैं उनसे मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, बिकॉज आज मैं 3 इंट्राडे स्टॉक्स की ना वीडियो ला पाया हूँ, ना ही मैं प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस बता पाया हूँ। तो उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज आज मैं किसी काम में बिजी था तो मैं वो वीडियो नहीं ला पाया। अगर आपको ऐसे ही ये सारे दिन मिस नहीं करने हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जहां पे आप जुड़ सकते हो और वहां पे मैं आगे से अपडेट कर दिया करूंगा, स्टॉक के नाम कम से कम आपको बता दिया करूंगा, तो आप वहां पे जरूर जुड़े। चलिए अब आज के स्टॉक का डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे ट्राइडेंट में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, ट्राइडेंट के स्टॉक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ट्राइडेंट का टारगेट जो मेरी तरफ से निकल के आ रहा है 21 रुपीज के आसपास, 21 के प्लस में आप मान के चल रहे हो। टेक्निकल पॉइंट पे आपको दिखाऊंगा क्यों ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बाय होल्ड और सेल लेवल पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सीधे मैं आपको लेके आ जाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ। अगर हम आज की कारोबार की बात करें तो लगभग आपको 3% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 18 रुपए 25 पैसे तक को टच किया। बात करें लोएस्ट पॉइंट की तो 17 रुपए 40 पैसे रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो ऑर्डर बुक में यहाँ पे 17 रुपए 90 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसमें एक छोटी सी सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिल रही है लगभग 6,500 शेयर्स की। बात करें यहाँ पे डिलीवरी डेटा की, डिलीवरी डेटा तब बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ा हुआ है 35.53% की, और ये डेटा तब है जब 3,85,00,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और 1,37,00,000 शेयर्स उठाए गए, यानी बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में शेयर्स यहाँ पर वो डिलीवरी उठाई गई है। अब आगे यहाँ पर डिस्कशन करते मैं आपको लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर सीधे आपको ट्राइडेंट के स्टॉक्स में मोमेंटम जो 3% का आया हुआ है, रीजन बिहाइंड दिस क्या लिख के आ रहा है आपको दिखा दूं। यहाँ पे ट्राइडेंट स्टॉक सर्ज 3% आफ्टर जून 2021 प्रोडक्शन डेटा, जून 2021 का प्रोडक्शन डेटा रिलीज हो चुका है। इन द होम टेक्सटाइल डिविजन ट्राइडेंट प्रोडक्शन इन बाथ लिनन, जो इनका टॉवल सेगमेंट्स है, वहां पे 4,363 मीट्रिक टन, वाइल द बेड लिनन यानी जो बेड सेगमेंट है वहां पे, बेडशीट्स टाइप के जो सेगमेंट है वहां पे 2.8 मिलियन मीटर, यार्न प्रोडक्शन वाज एट 9,587 मीट्रिक टन, यानी यहां पे यार्न प्रोडक्शन जो हुआ है 9,587 मीट्रिक टन में हुआ है। अगर आप पूरा इनसाइट से यहां पे पढ़ेंगे तो यहां पर आपको वही डेटा मिलेगा। यहां पर एक डेटा जो चेंज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इन द पेपर एंड केमिकल डिवीजन, जो पेपर एंड केमिकल डिवीजन में डील करते हैं, ट्राइडेंट रिकॉर्डेड प्रोडक्शन ऑफ 12,706 मीट्रिक टन ऑफ पेपर, वेयर एज 8,428 मीट्रिक टन प्रोडक्शन वॉज इन केमिकल, यानी केमिकल सेगमेंट में भी यहाँ पे आपको लगभग 8,400 मीट्रिक टन का देखने को मिल रहा है प्रोडक्शन। और यहां पर बात करें अगर पेपर सेगमेंट की सिर्फ, तो 12,706 मीट्रिक टन है। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और सीधे आपको लेकर आ जाएं यहाँ पर टेक्निकल जो हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं, तो टेक्निकल ट्रेंड के पास मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर डेली बेसिस की बात की जाए तो मूविंग एवरेज आपको बुलिश देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर आपको टेक्निकल इंडिकेटर की तो बुलिश देखने को मिल रहा है, बात करें हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तो वो भी आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। ओवरऑल टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो वेरी बुलिश आपको देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ वीकली बेसिस पे तो वीकली बेसिस पे भी आपको मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो बुलिश है, बात करें टेक्निकल इंडिकेटर की तो बुलिश है, बात करें यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तो बुलिश है, ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर आपका वेरी बुलिश आपको बन के आ रहा है। बात करें मंथली बेसिस पे भी तो कोई डेटा ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, मूविंग एवरेज की बात करें बुलिश है, बात करें टेक्निकल इंडिकेटर की तो बुलिश है, बात करें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तो बुलिश है, बात करें यहाँ पर ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर की तो वेरी बुलिश बन के आ रहा है। आप थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल पे बात करें, प्राइस कितना रिटर्न हमें मिला है, बात करें अगर हम इस वीक के तो 4.07% का रिटर्न हमें स्टॉक ने दिया है। बात करें यहाँ पर मंथली बेसिस पे तो मंथली बेसिस पे लगभग आपको 7.19% का रिटर्न मिला है। थ्री मंथ की बात करें तो 33.58%, बात करें इस ईयर यानी 2021 जनवरी 2021 से लेकर अब तक का रिटर्न आपको 80.81%, और वन ईयर की बात करें तो 175.38% का रिटर्न हमें मिला हुआ है। अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं और सीधे आपको लेके आ जाए जो हम पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पर जब आप आरएसआई इंडेक्स देखोगे तो 64.09 के आसपास चल रहा है अभी। बात करें यहाँ पे सबसे जो अभी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जो बन के आ रहा है ये वाली लाइन आप देख सकते हो 18 रुपए 32 पैसे, आज इसको टच कर देता और टच करके ऊपर निकल जाता तो हम लोग 20 के आसपास करीब पहुंचने ही वाले थे, ठीक है।
तो हमारे पास अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के आ रहा है 18 रुपए 32 पैसे, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा आपको ब्रेकआउट मोमेंटम, और यहाँ पे जो फ्लैग बटन बन रहा है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बन जाए, लगभग 1 वीक ऐसा फ्लैग बटन बना रहा है, तो यहाँ पर 18 रुपए 32 पैसे का जो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 20 रुपए 12 पैसे के आसपास आपको पहुंचा देगा सीधे। और वहां से जो देखें तो सीधे आपको अगला यहाँ पर जो देखने को मिले बहुत ही शानदार डेटा बन के आएगा, और उसकी बात हम करें तो 20 रुपए 42 पैसे के आसपास होगा। तो आज के लिए देख सकते हैं मतलब, और यहाँ पर आ जाते हैं कम्युनिटी के पास। कम्युनिटी क्या आपको बता रही है, जो हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी सेगमेंट में डेली देखते हैं, तो कम्युनिटी सेगमेंट की बात करें 79% पीपल आर टेलिंग यू टू बाई, 11% सेल और 10% यहाँ पे होल्ड। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पे बाई और होल्ड को मैच कर दे तो 89% पीपुल जो है आपको इस स्टॉक में इन्वॉल्व रहने की बात कर रहा है। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर किसी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर सब, बकायदा अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।